Welcome back to the English lab. We have to restart with double force. So let us begin with this basic vocabulary of parts of our body. Starts with head, sir, balon ko hair, or mathe ko forehead, galon ko cheek, chehra face, gardan neck, or kandha shoulder, thodi chin. और छाती चेस्ट पेट बैली और कोहनी को बोलते हैं एल्बो और ये भौहें जो होती हैं वो आईब्रोज और इधर नाखून नेल्स उंगलियां फिंगर्स अंगूठा थंब बी साइलेंट बी नहीं बोलते हैं ब नहीं बोलते एंड दिस नेक्स्ट पार्ट कमर को वेस्ट और हाथ को हैंड और जांघ को थाई घुटने को नी पूरी टांग को लेग कान को ईयर आंख को आई और कलाई को रिस्ट हथेली को पाम एल नहीं बोलते एल साइलेंट है एक पैर को फुट और दोनों को फीट पैर की उंगलियों को टोज नाक को नोज और बाजू को आर्म कोहनी एल्बो मुंह को माउथ और जीभ को टंग होंठों को लिप्स एक दांत को टूथ और ज्यादा को टीथ लेग्स दोनों टांगों को एक पैर को फुट और दोनों को फीट आई हैव सम मोर वर्ड्स हियर रिलेटेड टू बॉडी मांग जो बालों की मांग होती है उसको पार्टिंग बोलते हैं जुड़ा बन चोटी को प्लेट या ब्रेड बालों के कुंडल जो होते हैं कर्ल्स और जो लट होती है लॉक और जो लंबी जुल्फें लंबे बालों को ट्रेसिस बोलते हैं पलकों को आई लैशेस बगल को साइड मुट्ठी को फिस्ट और जहां बैठते हैं उस पार्ट को बटक्स स्पोकन इंग्लिश में बम्स और एस भी बोलते हैं और हमारे प्राइवेट पार्ट्स उस एरिया को क्रोच बोलते हैं पुरुषों के गुप्तांग को पेनिस और बॉल्स और लेडीज का वजाइना पसीना स्वेट आंसू टीयर्स मुस्कान स्माइल और गुस्से वाली नज़र जैसे ये फ्राउन चुटकी स्नैप थप्पड़ स्लैप थूक स्पिट और सलाइवा भी जब मुंह के अंदर है तो सलाइवा जब बाहर फेंकते हैं तो स्पिट हो जाता है मैल ग्राइम आंख की जो गर्द सुवास वो आंख में जो होती है गंदगी उसको रूम और घिमोरियां जो गर्मी में हो जाती हैं प्रिकली हीट और फिंसी को पिंपल छाला ब्लिस्टर फोड़ा बॉयल अल्सर या सोर जख्म को वूंड और जो रेशा होता है उसको पस आंतरिक पेट अंदर वाला पेट स्टमक मूंछ को बोलते हैं मस्टाश दाढ़ी को बोलते हैं बियर्ड लेडीज के स्तन को ब्रेस्ट क्रोंच को बोलते हैं ब्रूज आई हैव अनदर टॉपिक सेकेंड टॉपिक इज वी आर स्टार्टिंग विथ टेंसेस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल टेंस जिसमें सिर्फ होना ही काम होता है तो इसका ये रूल देखिए सिंपल प्रेजेंट होना जिसमें लास्ट में ऐसी बात आती है हूँ है या हैं ये बी की फॉर्म्स वर्ब की यूज होती हैं इज एम और आर कैसी यूज होती है आई के साथ एम होता है ही शी और इट कोई एक जना होगा सिंगुलर तो इज लगेगा उसके साथ यू या ज़्यादा होंगे तो प्लूरल्स के साथ आर लगता है अभी हम पहले हम करेंगे एफर्मेटिव हाँ वाचक पॉजिटिव सेंटेंसेस तो ऐसे है मैं अमित हूँ आई एम अमित तुम साहिल हो यू आर यू के साथ आर साहिल वह सीता है शी इज सीता वह रोहित है ही इज रोहित यह एक कार है दिस इज अ कार ए को अ बोलते हैं सेंटेंस में यह वह एक गांव है दैट इज वह होता है दैट यह होता है दिस दूर को होगी कोई चीज एक दैट दैट इज अ विलेज हम दोस्त हैं हम होते हैं वी ज्यादा हो गए तो आर वी आर फ्रेंड्स वे हमारे पड़ोसी हैं वे हो गए ज़्यादा दे आर आवर हमारे
नेबर्स पड़ोसी। राम खुश है, रामा इज हैप्पी। रामा को रैम इसलिए नहीं लगते, रैम एक एनिमल होता है इंग्लिश में, इसलिए रामा इज हैप्पी ये लगाते हैं पीछे। बच्चे अंदर हैं, द चिल्ड्रन आर इन या इनसाइड। ये मेरे जूते हैं, दीज आर माई शूज। ज़्यादा हैं तो दीज, एक चीज़ है तो दिस, ज़्यादा है तो दीज, ये। दीज आर माई शूज, ये साफ हैं, जूतों की बात कर रहे हैं। दे आर या दीज आर क्लीन, दे दीज का ही शॉर्ट दे हो जाता है फिर, दे आर क्लीन। यह हमारा कुत्ता है, दिस इज आवर डॉग। वह मेरा सहपाठी है, ये कुत्ते की बात नहीं हो रही है, अलग है सेंटेंस। तो ही इज माई क्लासमेट या क्लास फेलो। ओके, नाउ लेट्स गो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेम टेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, नावाचक। देखिए इसमें सिर्फ इज एम आर के साथ नॉट लग जाता है, सबके साथ नॉट, इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट। यह मेरा पेन नहीं है, दिस या इट इज नॉट माई पेन, इज के साथ नॉट आ गया। यह हमारा घर नहीं है, दिस इज नॉट आवर हाउस या होम। तुम ठीक नहीं हो, यू के साथ आर, यू आर नॉट फाइन या वेल। यह सही नहीं है, दिस इज नॉट राइट। हम लेट नहीं हैं, वी के साथ आर नॉट लेट। वे जल्दी नहीं हैं, दे आर नॉट अर्ली। वह मोटी है पर सुस्त नहीं है, शी इज फैट बट नॉट लेजी। तुम ईमानदार नहीं हो, यू आर नॉट ऑनेस्ट या सिंसियर। यह काफ़ी नहीं है, दिस या इट इज नॉट इनफ या सफिशियंट। यह डिब्बा भारी नहीं है, दिस बॉक्स इज नॉट हैवी। उसे शक है पर गुस्सा नहीं है, शी इज सस्पिशियस बट नॉट एंग्री। मुझे काम है, नहीं आ सकता, आई एम बिजी सो नॉट अवेलेबल। वह लापरवाह नहीं है, ही या शी इज नॉट केयरलेस। ये फूल ताज़े नहीं हैं, दीज फ्लावर्स आर नॉट फ्रेश। यह तुम्हारी गलती नहीं है, दिस या इट इज नॉट योर मिस्टेक या फॉल्ट। ये थे नेगेटिव। अब देखते हैं क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें इज एम आर शुरू में आ जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएंगे, इज एम आर और नीचे डब्ल्यू एच वाले, इस तरह से बनते, दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। क्या तुम ठीक हो, अगर शुरू में क्या आएगा तो इज एम आर आगे आ जाएगा। क्या तुम ठीक हो, यू के साथ आर, आर यू ओके या ऑल राइट या फाइन। क्या वह तुम्हारा भाई है, इज ही योर ब्रदर। क्या वह तुम्हारी कज़न है, कज़न को मैंने कज़न लिखा है क्योंकि हिंदी में लंबा हो जाता है, चचेरी मबेरी बहन कई हो जाते, तो इज शी योर कज़न। क्या हम जल्दी हैं, आर वी अर्ली। क्या यह एक लाल पेन है, इज दिस अ रेड पेन। क्या मैं सही नहीं हूँ, एम आई नॉट राइट। देखो क्वेश्चन भी है और बीच में नेगेटिव भी है, तो ऐसे बनेगा, एम आई नॉट राइट। क्या यह तुम्हारे किताबें नहीं हैं, आर दीज नॉट योर बुक्स। इसमें भी ऐसी है, आर भी क्वेश्चन भी आ गया और नेगेटिव भी है, इसको नेगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं। आर दीज नॉट योर बुक्स, तो सब्जेक्ट आई और दीज के बाद नॉट आ जाता है। शुरू में वही फार्मूला, इज एम आर। क्या पानी ठंडा है, इज पानी है, इसकी पानी के लिए इज आएगा, इज द वाटर कोल्ड। क्या वह जीवित, यह जीवित है, अगर जानवर है तो इट की, इट से बोलेंगे, अगर पर्सन है तो ही या शी, इज इट ही या शी अलाइव। क्या ये मेरी चाबी है, इज दिस माई की। अब आगे डब्ल्यू एच वाले, तुम्हारा, तुम्हारी कार कहाँ है, कहाँ को, वेयर, वेयर इज योर कार। इसको योर बोलते हैं, यूर नहीं, योर। वेयर इज योर कार। वह कौन है, हु इज ही और शी, कौन होता है हु। आगे आगे क्या, यह क्या है, क्या को बोलते हैं व्हाट। देखो क्या जब बीच में आएगा, शुरू में आता है तो इज एम आर, अगर बीच में आएगा तो क्या हो जाता है, यह क्या है, व्हाट इज दिस। तुम कौन हो, कौन की होती है हु, हु आर यू, यू के लिए आर आ गया बीच में, पहले आ गया, पहले डब्ल्यू एच वाला, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट। ओके, तुम कौन हो, हु आर यू। पार्टी कब है, कब को होता है वेयर, वेयर सॉरी व्हेन, व्हेन इज द पार्टी।
तुम्हारा फोन कौन सा है, कौन सा होता है, विच, विच इज योर फोन। तुम लेट क्यों हो, क्यों का होता है वाई, वाई आर यू लेट। तो इस तरह से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज द वे वी शैल गो ऑन, वोकैबुलरी प्लस ग्रामर दोनों चीज़ें लेकर के चलेंगे। तो इसलिए बोलते हैं डबल स्पीड, सो यू वॉन्ट टू लर्न इट क्विकली, सो दिस इज द वे। सो कैरी ऑन, सी यू अगेन, बाय बाय।